नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। बालोद में एक महीने के भीतर दूसरा रेल हादसा, पटरी से उतरा मालगाड़ी का इंजन। बालोद जिले में महीने भर में दूसरा रेल हादसा हुआ। दल्ली राजहरा रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी ले जाने वाली इंजन पटरी से डीरेल हो गई। इस वजह से स्टेशन के 3 ट्रैक प्रभावित हो गए हैं। इसके चलते बस्तर अंचल से राजधानी को जोड़ने वाला पैसेंजर ट्रेन प्रभावित हुआ है। बालोद महीने भर के भीतर बालोद जिले में दूसरा रेल हादसा हुआ। दल्ली राजहरा रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी ले जाने वाली इंजन रविवार की सुबह पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से दल्ली राजहरा बालोद दुर्ग रूट के 3 ट्रैक बाधित हो गया। इस हादसे के चलते बस्तर अंचल से राजधानी को जोड़ने वाला ट्रेन भी प्रभावित हुआ है। पैसेंजर ट्रेन के यात्री हुए परेशान। जानकारी के अनुसार दल्ली राजहरा रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी ले जाने वाली इंजन पटरी से डीरेल हो गई। इस वजह से स्टेशन के 3 ट्रैक प्रभावित हो गए। इसके चलते बस्तर अंचल से राजधानी को जोड़ने वाला पैसेंजर ट्रेन प्रभावित हुआ है। मालगाड़ी का इंजन डीरेल होने से आज सुबह अंतागढ़ से दुर्ग जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हादसे की वजह से पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म में ना रुककर ट्रैक क्रमांक 4 में रुक रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को ट्रेन तक जाने के लिए ट्रैक 4 के पास जाना पड़ रहा है। ट्रैक सुधारने का काम जारी है। रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार हादसा बीती रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद से युद्ध स्तर पर ट्रैक सुधारने का काम किया जा रहा है। अभी तक हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, परंतु 1 महीने के भीतर यह दूसरा रेल हादसा है। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान का आंकड़ा लगाया जा रहा है। जिस जगह पर यह रेल हादसा हुआ है वहां से करोड़ों का राजस्व सरकार को जाता है। यहां से कच्चा लोहा भिलाई इस्पात संयंत्र को भेजा जाता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।